गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी आमोदनी जो हिंदी सेकंड की बुक है उसका पहला पार्ट पढ़ाया था। वो एक कविता थी और जिसका शीर्षक था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, आज मैं उनके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, मौखिक प्रश्न देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत कविता किस कवि के द्वारा रचित है? इसका आंसर होगा प्रस्तुत कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इट मीन्स कवि का नाम क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी किसके बंधन में अपनी गति व उड़ान भूल गया है? तो पक्षी सोने के पिंजरे में बंध कर अपनी गति व उड़ान भूल गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पक्षी को पिंजरे में खाने के लिए क्या मिलता था? पक्षी को पिंजरे में खाने के लिए मैदा मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी को जंगल में खाने के लिए क्या मिलता था? तो पक्षी को जंगल में खाने के लिए नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 5, पक्षी की क्या प्रार्थना है? पक्षी की यह प्रार्थना है कि जब ईश्वर ने उड़ने के लिए उसे पंख दिए हैं तो उसको बिना किसी बाधा के उड़ने दिया जाए। अब हैं आपके लिखित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति लिखिए। तो आंसर है इसका, पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी स्वतंत्र होकर क्या क्या करना चाहते हैं? तो पक्षी स्वतंत्र होकर नीले आसमान की सीमा को पाने और तारे रूपी अनार के दानों को अपनी लाल किरण के समान चोंच खोलकर आसमान में से चुगना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं? विस्तार से समझाइए। आंसर है इसका, हाँ, सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, क्योंकि यदि पक्षी को सभी सुविधाओं से युक्त सोंजे के पिंजरे में रखा जाए फिर भी वह सोने के पिंजरे में नहीं रहना चाहता, बल्कि नीले गगन में, नीले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजरे में पक्षी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? तो पक्षी सोने के बहुमूल्य पिंजरे में रहता है जहां उसे सोने की कटोरी में खाने पीने के लिए दिया जाता है, अर्थात उसकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पक्षियों को पिंजरे में बंद रखने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, सोचकर बताइए। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद रखने से पर्यावरण शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वे ऐसे कीड़े मकोड़ों को नहीं खा पाते जो हमें या हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, चलो अब हम आपको जो हमने कविता पढ़ाई थी उसके पहले शब्द अर्थ समझा देते हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र या खुला हुआ। कटुक का अर्थ होता है कड़वा। श्रृंखला का अर्थ है बेड़ियाँ। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। कनक मीन्स सोना। फुनकी मीन्स पेड़ की शाखा का आगे का हिस्सा। आश्रय सहारा। आकुल व्याकुल। निबोरी नीम का फल। पुलकित आनंदित। अब एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसमें बच्चों देखो, जहाँ मैंने एरो दे रखा है, एरो देकर जहाँ भी मैंने लाइनों को लिख रखा है वो लाइनें आपको बीच में भरनी है रिक्त स्थान में, ठीक है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। नेक्स्ट देखिए,
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पंछी का अरमान क्या पाने का था? पृथ्वी की सीमा को, बादल की सीमा को, या नभ की सीमा को? नभ की सीमा को। कविता में अनार के दाने किसे कहा गया है? मोती को, तारे को, या जुगनू को? तारे को। उड़ान का विघ्न क्या है? सोने का पिंजरा, मानव, या सुविधाएं? सोने का पिंजरा। पक्षी के पंख किससे टकराकर टूट जाते हैं? स्वर्ण श्रृंखला से, कनक तीलियों से, कनक कटोरी से, यानी कनक तीलियों से, सोने की तीलियों से। पिंजरबद्ध कौन है, पक्षी, बच्चे, या मानव? पंछी। ठीक है, अब भाषा बोध देखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का मतलब वही होता है बच्चों, इट मीन्स पर्यायवाची शब्द। तो नीड का हो जाता है घोंसला, स्वर्ण का सोना, आश्रय का सहारा, जल का पानी, पंछी का पक्षी या खग, नभ का आसमान। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। जैसा आपको पता विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उन्मुक्त होता है स्वतंत्र, तो उसका उल्टा होगा परतंत्र। कटु कड़वी यानी मीठी, मिलन मिलना, बिछो बिछड़ना, बंधन बंधन में रहना, मुक्त आज़ाद होना। अब शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, श्रृंखला वर्ड दिया हुआ है तो देखिए, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बंधन, पक्षी बंधन में रहना नहीं चाहते। तरु, बाग में आम के कई तरु हैं। निबोरी, निबोरी नीम के पेड़ के फल को कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे कार्य को आप अच्छे से करेंगे। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप सारे कार्य को कॉपी पर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।